जहानाबाद के मखदूमपुर में राजद प्रत्याशी सतीश दास के समर्थन में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जनता को ठगा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद के सिकड़िया में चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार वर्तमान शिक्षा मंत्री और जहानाबाद सीट से एनडीए के प्रत्याशी कृष्णनंदन वर्मा के लिए समर्थन मांगते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तर्कहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। और शुरू से हम एक ही बात लोगों को कहते आए हैं कि देखिए, आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखिए। तो जिस तरह से पहले दंगा फसाद भी होता था, कितनी कमी आई, हमने किस तरह से एकता करने का माहौल किया। और पहले लोगों को राज करने का मौका मिला, वोट वगैरह लेते रहते, लेकिन काम क्या किया? हम वोट के बारे में नहीं सोचते हैं, और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी एक परिवार, मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी खिदमत में काम करते, और आगे अब मौका दे दीजिएगा। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय कारगिल चौक पर मगध प्रमंडल नगर आयुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा आमंत्रण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता बेफिक्र होकर मतदान करने आए। विधानसभा चुनाव के पहले भागलपुर में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि भागलपुर के हवाई अड्डे से पीएम का संबोधन होगा। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा को लेकर जो भी मानक तय है, माननीय प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर एक स्पष्ट मानक तय है। सुरक्षा के जो भी इंतजाम किए जाते हैं वो बिल्कुल निर्धारित हैं पूर्व से, उसका ही हम लोग अभी यहाँ पर आकलन कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। जो तैयारियाँ की जा रही हैं ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, उस पर सुरक्षा संबंधी जो भी कहीं पे कुछ निर्देश देना हो रहा है उसको देने हैं और देखने का काम हम लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राधा मोहन सिंह कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में राज्य कांग्रेस मुक्त होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य और देश के विकास के लिए पीएम मोदी ही एकमात्र विकल्प है। जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को कि अब कांग्रेस पार्टी समाप्त कर दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बनी थी देश को आजादी दिलाने के लिए, और आगे जब सत्ता में आओगे तो भ्रष्टाचार निकलेगा, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अब नाम समाप्त कर दो। नहीं, महात्मा गांधी के जो ये सारे शिष्य थे उनकी बात नहीं मानी। कांग्रेस तो समाप्त नहीं किया, लेकिन आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान लगभग हो गया है। मुझे विश्वास है कि आप भी मुजफ्फरपुर में कांग्रेस को नहीं आने देंगे। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर पूर्वांचल एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। दरअसल गोरखपुर से हावड़ा जाने के दौरान मुजफ्फरपुर के शॉर्ट स्टेशन के पास ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ यात्रियों को हल्की सी चोट आई है।